हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम और मेरा दोस्त आए हैं एक पार्क में, जो कि जंगल जैसा पार्क है, संजय वन पार्क है नाम है। ये देख सकते हैं आप इधर से बाहर का नज़ारा, और आप लोगों को अंदर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे कि कैसा है पार्क। देख सकते हैं अभी मेन रोड में है हम लोग, और मेन रोड के किनारे ही बना है पार्क। ये देखिए पेड़ पौधे कितने हैं यहाँ पे, देख ही सकते हैं आप। चलिए अब आपको यहाँ गेट में पहुँचेंगे, फिर वहाँ दिखाएंगे आप लोगों को। देख सकते हैं आप लोग गेट के पास पहुँच चुके हैं, और अब अंदर की एंट्री करेंगे। आप लोग बाहर का नज़ारा देख ही सकते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये देखिए अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, चारों तरफ का देख लीजिए। ये देखिए, और अब ये और अंदर चलेंगे। चलिए अब यहाँ से मुड़ते हैं। ये देखिए कितना घना जंगल जैसा है, देख ही सकते होंगे आप लोग। ये देखिए, और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग आए हैं जंगल जैसे पार्क में। देख ही सकते हैं आप कितना खतरनाक लग रहा है बाहर से, और अभी अंदर देखिए क्या होगा। चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते नज़ारा। पहले आप लोगों को यहाँ से अंदर का नज़ारा दिखाते कि कैसा नज़ारा है, क्या है ये सब। ये देख ही सकते हैं आप कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए चारों तरफ का कितने कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं, और यहाँ पे फोटो शूटिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है, और वीडियो बनानी हो टिकटॉक की तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे भाई साहब। अगर आप लोगों को ये व्यू अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। देख सकते हैं आप, और अभी आगे देखिए कितना मज़ा आने वाला है अब इस वीडियो में। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे पेड़, और मुझे लगता है यहाँ पे जानवर भी मिल सकते हैं ऐसे जंगल में, क्योंकि बताया जा रहा है ना ज़्यादातर। देख ही सकते होंगे आप लोग, अभी तो हम लोग ने शुरुआत करी है, अभी देखिए अंदर क्या क्या सीन दिखती है हम लोगों को। और ये देख सकते हैं पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, और ये देखिए पक्षियाँ, गिलहरी, सभी जानवर अभी दिख रहे हैं धीमे धीमे। ये देखिए चारों तरफ कितना सुंदर सारा व्यू, और आप लोग देख सकते हैं कि पार्क कितना साफ सुथरा लग रहा है। ये देखिए चारों तरफ, मतलब यहाँ इतनी गंदगी नहीं है जो दूसरे पार्कों में होती है। सफाई भी और खुशबू भी खूब बढ़िया आ रही हो। ये देखिए तितली उड़ रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी, ये देखिए है। चलिए आप लोगों को अंदर का भी फिर दिखाते हैं। चलिए देख सकते हैं आप लोग, मोर की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है कि मोर भी यहाँ पे है, तो आप लोगों को दिखाएंगे जरूर अगर दिखेंगे हम लोगों को मोर तो। ये देखिए एक मोर दिख रहा है, लेकिन पता नहीं आप लोग दिख पाएगा, नाच रहा है मोर। ये देखिए हल्का हल्का, चलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को पास फिर दिखाएंगे, लेकिन मुझे शांत रहना पड़ेगा। तो चलिए फिर चलते हैं, आप लोगों को मोर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप नाच रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा है। अगर पूरा सामने रोता तो आप लोगों को दिखाते जरूर। ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मोर तो नाचते रहेंगे, आवाज़ भी कितनी प्यारी आ रही है आप लोग सुन ही सकते होंगे, गिलहरी की भी आवाज़। और आप लोगों को मैं और मेरा दोस्त पूरा पार्क दिखाएंगे, और हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि सुबह आ जाए मॉर्निंग वॉक में, आप लोगों को दिखाएंगे कितने लोग आते हैं, और मज़ा भी आती सुबह सुबह। चलिए चलते हैं, और अभी टाइम आप देख सकते हैं कितना हो रहा है, 1:40 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा,
पर आप लोगों को मैं अपना पूरा पारिक दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए चुड़िया उड़िया कितनी प्यारी लग रही है। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप कानपुर आइएगा तो कानपुर में हर जगह घूमिएगा, और घूमने के लिए जगह की कमी नहीं है। बहुत सारी जगह हैं, अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ आप लोग घूम सकते हैं। और आप घूमिए या ना घूमिए, लेकिन मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, हर जगह दिखाऊंगा, एक से बढ़कर एक जगह दिखाऊंगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा ब्लॉग में, ये को चाहिए नहीं। ठीक है। और ये देखिए आप, कितना प्यारा पेड़ लग रहा है, गिरा हुआ है लेकिन तब भी हरी भरी पत्तियाँ हैं। और ये देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग मुड़ते हैं और चलते हैं अंदर की ओर। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी मोड़ है, ईंटें लगे किनारे, कितनी बढ़िया डिजाइन बनी है। ये देखिए, और ये देखिए, अभी भी यहाँ लगता है इस पार्क में कोई नहीं है, सन्नाटा ऐसा है, लेकिन डर भी लग रहा है हल्का फुल्का। और हाँ, आप लोग को एक चीज़ और दिखाना है, ये आप लोग ये लोटा देख सकते हैं, ये लोटा चिड़ियों को खानी पानी के लिए। ये देखिए अंदर, मतलब यहाँ की व्यवस्था भी बढ़िया है चिड़िया जानवर आनवर के लिए, खान पान बढ़िया है सब कुछ। ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा जंगल लग रहा है। और हाँ, कानपुर में नहीं, मतलब इस पार्क में सबसे ज़्यादा पेड़ है, और किसी पार्क में भी नहीं है। ये पार्क अगर आप आइएगा तो इस पार्क में ज़रूर, और हर जगह आप लोगों को ये देखने के ज़रूर मिलेंगे खाने पाने के लिए। और इस पार्क में पेड़ पौधे इतने हैं कि कुछ कहने को नहीं, मतलब बढ़िया ऑक्सीजन मिलता है, और हरे भरे, और एक तो हरे भरे पेड़ हैं बढ़िया से मस्त, देख सकते हैं आप। और हाँ, अभी तो कुछ मतलब सूख के टूट भी गए हैं और काट भी दिए गए हैं, लेकिन पहले बहुत बहुत प्यारा नज़ारा था। पहले अगर हम लोग आते तो आप लोग को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, कटे फटे पड़े हैं पेड़, ये देखिए कटे फटे पेड़ हैं, और ये देखिए सूखे हुए पेड़ हैं, इसी के मारे थोड़े पेड़ कम हो गए। पहले इतना घना था कि वाई क्या व्यू आ रहा था, आप लोग अगर देखते तो मज़ा आ जाती। कोई बात नहीं, अभी बारिश का मौसम आएगा, उसके बाद फिर पेड़ हरे भरे होंगे और उगेंगे, फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के बढ़िया से वीडियो बना के, तो आप लोग देखिएगा। देख सकते कितनी प्यारी सी मोड़ है, ये देखिए एक बीच में पेड़ खड़ा है, और ये यहाँ से देख सकते कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है, ये देखिए। और अभी जंगल में कोई नहीं, हम ही दो हैं बस, तो और मज़ा आ रही हम लोगों को। ये देखिए, और डर सा भी लग रहा है, मेरे दोस्त को डर लग रहा है, मेरी तो फट रही है, लेकिन क्या करें, आप लोगों को दिखाना भी तो ज़रूरी है, बिना देखे आप लोगों को मज़ा नहीं आएगी, तो इसीलिए देख सकते हैं आप। ये देखिए, और हाँ, इस वीडियो को इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो ही मज़ा हम लोग को भी आएगी वीडियो बनाने में। और शेयर भी करिएगा वीडियो को लोगों, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को दिखाइएगा कि ऐसा वीडियो है मतलब, और उन लोग से भी कहिए कि शेयर करें। जितनी जल्दी मतलब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप लोगों को अच्छे से अच्छे चैलेंज दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, बस आप सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए कितना प्यारा रास्ता दिख रहा है, ये देखिए अब ये रास्ता कितना घना आता जा रहा है, आप लोग आगे देख सकते हैं कैसे लग रही गुफा जैसी रास्ता, ये देखिए। चलिए आप लोगों को घने रास्ते में भी दिखाते मतलब। और हाँ, ये रास्ता ऐसी, यहाँ रास्ता है जैसे भूल भुलैया है कोई, कईयों लोग तो आए और जगह भी भूल गए। भाई साहब, इतनी खतरनाक रास्ता है। और आप लोगों को चारों तरफ का पहले व्यू दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, हरे भरे पेड़ है। और अब चलते हैं आगे। और गाइस, मुझे लगता है कि मैं भी और मेरा दोस्त भी ये रास्ता भूल रहे हैं, बड़ा ऐसा रास्ता आ रहा है भूल भुलैया जैसा रास्ता। चलो कोई परेशानी नहीं है, हम लोग कोशिश करके रास्ता निकाल लेंगे कहीं से भी, बस आप लोग वीडियो देख के मज़ा उठाइएगा और देखते रहिएगा। आप लोग देखिए तो जगह जगह पर
चुड़िया उड़िया खाने के लिए व्यवस्था फुल की गई है। ये देखिए, एक ये देखिए, और अभी तो लगता है आधे पारी का भी घूमे हैं, अभी आधी बाकी भी है। चले कोई बात नहीं, सब दिखाएंगे आप लोगों को, पूरा पार्क दिखाएंगे, देख सकते हैं। अब अंदर चलते हम लोग। ये देखिए, देख ही सकते हैं आप। और हाँ गाइस, आगे एक ऐसी जगह आने वाली है जहाँ पे लोग कसरत योगा है सब करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी तो कोई नहीं है क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो इसी के मारे अभी कोई नहीं, सन्नाटा पड़ा होगा। चलिए आप लोगों को दिखा देंगे कैसी जगह है और क्या मतलब है सब कुछ। हाँ, अपन नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा आप, सुबह सुबह आएंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को। देख सकते हैं आप, ये आने वाली जगह है, पूरी जगह दिखाएंगे आपको कि कैसा व्यवस्था है, क्या मतलब है। और ये देख सकते हैं, गिलहरी खाना खा रही थी, ये देखिए निकल गई डर के मारे। चलो कोई बात नहीं, खाने देते हम लोग, चलते अपना वीडियो बनाने। ये देख ही सकते हैं आप कितना बड़ा है, मतलब खूब लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर लोग आते हैं योगा करने यहाँ पे। ये देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए। आइए अंदर से भी दिखा देंगे आप लोगों को, अंदर की भी व्यवस्था अच्छी की गई है। ये देखिए पंखा वंखा लगा, गर्मी, और वैसे भी गर्मी का टाइम आ रहा है तो मतलब अच्छी व्यवस्था। ये देखिए बढ़िया सी बैठनी, यहाँ बैठे थे मेन गुरु जी, यहाँ पे सिखाते हैं, और यहाँ से मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए चारों तरफ का, और ऊपर से भी देखिए, और ये देखिए। चलिए अब चलते हैं, आप लोगों को आगे दिखाइए, आगे का दिखाएंगे मतलब। और हाँ, इस पार्क में भी झूले वूले हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, मस्त झूले हैं मतलब। चलिए चलते हैं। पर हाँ, एक दिक्कत है, कुछ झूले हैं जो टूट गए हैं और कुछ बाकी है जो आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं झूले। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना प्यारा। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप लोग कानपुर में है या फिर आएंगे मतलब, तो इस पार्क में ज़रूर घूमिएगा। अपनी फैमिली संग घूम सकते हैं, अपने फ्रेंड संग घूम सकते हैं, लेकिन घूमिएगा ज़रूर। ये देखिए, ये आप लोगों को मंदिर दिख ही रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद। चलिए आप लोगों को अंदर से दिखाते कैसा मंदिर है। एक बात बढ़िया है कि जंगल में मंदिर भी है। चलिए चलते हैं, आप लोगों को मंदिर दिखाते हैं कैसा है और कौन से भगवान है, अभी मुझे भी नहीं पता। चलिए देखते हैं, ये देख लिए। और आप देख ही सकते हैं कि बाहर का भी मतलब आ चुके हैं हम लोग, पूरा पहाड़ी घुमाए, बस आप लोगों को झूले दिखाने और ये मंदिर दिखाना है बस। देख सकते हैं कितना प्यारा पेंट किया गया मंदिर पे, ये देखिए। और अभी शायद मंदिर बंद है, चलिए कोई बात नहीं, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए मंदिर के बाहर आ चुके हैं, अंदर जाने का रास्ता। और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ से बंद है, ये तार लगे, आप लोगों को इधर ही से दिखा देता हूँ। ये देखिए हनुमान जी बैठे हैं यहाँ पे, और ये मंदिर देख सकते हैं। और जब नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगे तो आप लोग पूरा मंदिर दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए यार, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं मतलब अभी। और अब यहाँ से चलते हैं, आप लोगों को झूला उला दिखाएंगे। और ये टंकी रखी है, अगर आप लोगों को प्यास या पानी आने लगी हो तो यहाँ पी सकते हैं आप लोग, बढ़िया व्यवस्था है पार्क में। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ और दिखानी है, आप लोगों को सीमेंट का भालू दिखाएंगे जो रियल लगता था पहले, लेकिन पहले से ज़्यादा अब ख़राब हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, जितना है आप लोगों को उतना ही दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए आप लोगों को एक चीज़ और दिखाते हैं, जो सांप का बिल है आप लोगों को दिखाते कैसा है। ये देख सकते हैं आप लोग, मिट्टी के, ये मिट्टी का जहाँ ढेर लगा है यहीं पे पहले सांप का बिल था, अब कुछ लोगों ने तोड़ दिया है।
जो कि पहले बहुत, यहाँ साहब आप देख सकते हैं हल्के हल्के गड्ढे हैं, ये देखिए गड्ढा, ये देखिए, और ये सब गड्ढे हैं, पहले यहाँ सांप बहुत आते थे और अब लेकिन कुछ लोगों ने तोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं आप लोगों को सीमेंट वाला भालू दिखाते हैं, जो कि पहले बहुत डेंजरस दिखता था लेकिन अब तोड़ दिया गया। और हाँ, जो भालू बना था वो कूड़ेदान के लिए यूज किया जाता था, आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, अब यहाँ से मुड़ते हैं। देख सकते हैं आप लोग, हल्का हल्का दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ये देख सकते हैं आप लोग, हल्का हल्का दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ से पूरा व्यू, ये देखिए, और आप लोग फिर से देख लीजिए, और यहाँ पे सुबह बैडमिंटन वॉलीबॉल सब खेला जाता है यहाँ पे। और चलिए अब दिखाते हैं, ये देख सकते हैं भालू आ गए हैं, जो कि आप लोगों को देख के थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा लेकिन आपको पूरा दिखाते हैं। ये देखिए ये, और इधर से भी देखिए, ये देखिए, तो पूरा भालू ऐसा है। अब आप लोगों को हम दिखाते हैं झूला, जो कि आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। ये देखिए मेरा दोस्त पहले से बैठ चुका है यहाँ झूलने हुए, दिखा रहा है आप लोगों को कैसे झूला जाती है। ये देखिए, ये झूला बहुत मस्त है, सावन में ज़्यादातर लोग झूलते हैं। और लेकिन हाँ, इसमें एक दिक्कत है, ये झूला बच्चों वाला है, जो कि मेरा दोस्त झूल नहीं पाया, देख सकते हैं आप टांग लड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोगों को दूसरा झूला दिखाते हैं। ये देखिए, ये दूसरा झूला है, जो कि इसमें हमें लग रहा है खाली चढ़ा जाता है, मतलब नहीं, इसमें हाइट बढ़ाई जाती है। हाँ, इसमें मतलब छोटे बच्चे बीच में जाके और उसमें लटकते थे, और बीच में मतलब गैप है जो कि हाइट बढ़ाते। चलिए वो मैंने अब दिखाते हैं आप लोगों को तीसरा झूला। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बड़ा फनी झूला है और मज़े भी आता है इसमें, जो कि ये टूट गया है। यहाँ के बच्चे बड़े हरामी ने जो कि तोड़ देते, देख ही सकते हैं आप, जो चीज़ चलने नहीं देते हैं पहले, लेकिन मज़ा बहुत आती थी इसमें। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोगों को दिखाते हैं, अब आपको चौथा झूला दिखाते हैं, जो स्लाइड वाला झूला है, जो कि मेरा दोस्त झूल के आप लोगों को दिखाएगा। ये देखिए, मेरा दोस्त जा रहा है और अभी ऊपर से आएगा और आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए, वो ऊपर चढ़ रहा है, डर लग रहा है, और मेरे दोस्त को डर लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दिखाएगा वो आप लोगों। आओ नीचे आओ, नीचे आओ थोड़ा। ये देखिए ये आ गए। और एक पांचवा झूला, ये तो कि टूट गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चे बड़े यहाँ के बड़े वैसे हरामी टाइप के हैं। चलिए कोई बात नहीं, और ये देख सकते हैं आप, बढ़िया व्यवस्था करिए कूड़ादान के लिए। ये देखिए, और आप लोगों को एक जगह और दिखाता हूँ। ये आप लोग यहाँ पे आप आ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं बढ़िया सा। ये देखिए, चारों तरफ बढ़िया सी छाई आई। और आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दें पूरा पार्क कैसा है। ये देखिए चारों तरफ का, ये देखिए ऐसा व्यू है। ये देखिए चारों तरफ की ओर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।